Hi everyone, welcome to our channel the AGNI'S, and you are watching the video series of class 12th accounting. Students, पिछली वीडियो में मैंने आपको तीनों बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था. मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसमें और हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इस साल. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ध्यान से हर टॉपिक को समझेंगे. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट वॉल्यूम पहली बुक के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा बताया था, तो अब हम इस वीडियो में सबसे पहले तो इस चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती कौन सी हैं जो नॉन प्रॉफिट कहलाती हैं और इनके फंक्शंस किस तरह से चलते हैं, ये कैसे पैसा कमाती हैं, इनके ओनर्स कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे. तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रेडी होते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. बेसिकली नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनका मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, अपने आप को ग्रो करना, अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना और किसी भी तरह प्रोडक्शन और सेल्स को इंक्रीज़ कर लेना. पर यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है. इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों की हेल्प करना, सोशल वेलफेयर करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ गरीब बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, या रिलीजियसली किसी अपने धर्म का प्रचार करना. इसके अलावा हॉस्पिटल्स भी होते हैं, कई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स आपने सुने होंगे जो चैरिटी के ऊपर चलते हैं, लोग उनमें दान देते हैं और फिर हॉस्पिटल चलते हैं. अलावा स्पोर्ट्स क्लब भी होते हैं. स्पोर्ट्स क्लब में बेसिकली अलग अलग तरह के मैचेस होते हैं, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स मैचेस खेलते हैं और जो पैसा ये कमाते हैं वो चैरिटी को जाता है. तो बेसिकली सोशल वेलफेयर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, तो इसीलिए ये कभी भी अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट या लॉस वर्ड का मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस नॉर्मल कंपनीज जो कि कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं वो बेसिकली करती हैं, तो इनका काम बिल्कुल अलग है. इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है, कंपनी किसी ना किसी तरह अपना खर्चा तो निकालेगी और लोगों की हेल्प ऐसे ही तो नहीं की जा सकती, कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि लोगों की हेल्प हो सके. तो यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह से पैसे इकट्ठे करती है, जैसे कि डोनेशंस, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल जाते हैं, छूट मिल जाती है अलग अलग तरह की, और यहाँ पर इनको सब्सिडी मिल जाती है सामान में, और कई तरह की फैसिलिटीज़ इनको मिलती है. तो इस तरह से है बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो उसकी जगह हम इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और ये देखेंगे कि कंपनी कितना कमा लेती है और कितना उनका खर्च हो जाता है. इसमें फ़ायदे नुकसान की बात कहीं नहीं होगी. तीन तरह के अकाउंट बनते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं इसकी. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में. ये एक कैश बुक की तरह अकाउंट होता है, हालांकि कैश बुक की समरी ही इसको कह सकते हैं. इसमें जितना भी कैश आया है इस साल, चाहे वो पिछले साल से संबंधित कैश हो या आने वाले साल से संबंधित कैश हो, सारा का सारा कैश रिकॉर्ड कर लिया जाता है. अक्रूअल बेसिस पे चलता है ये, जिस दिन कैश आया उस दिन इसको लिख लिया जाता है. तो टोटली कैश बुक के हिसाब से ही है, तो जितना कैश आया और जितना कैश गया उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख लिया जाता है. इसके बारे में आगे और एक्सप्लेन करूँगा आपको. उसके बाद आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें सिर्फ इस साल होने वाले खर्चे और फ़ायदे लिखे जाते हैं. और नेक्स्ट बैलेंस शीट्स आती हैं, तो इसमें बैलेंस शीट आपको बताइए क्या होता है, ये हमने पिछले साल भी पढ़ा है. तो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हम लिखेंगे और उसके बाद जो भी इसमें सरप्लस आता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सरप्लस कोई इसमें ओनर नहीं ले जाता है अपने. जो भी सरप्लस या कोई भी फ़ायदा होता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि सोशल वेलफेयर है, उसके लिए यूज़ किया जाता है. वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे पहला पॉइंट आता है एंटिटी, जिसको हम पहचान भी बोलते हैं, आइडेंटिटी भी बोलते हैं.
तो स्टूडेंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन की पहचान उसके मालिक जो कि इसका ओनर होता है उससे अलग होती है, ये हम लोगों ने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में पढ़ा था। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो इसके मालिक होते हैं और जिस जो इसके ट्रस्टी होते हैं उनकी आइडेंटिटी अलग होती है, कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती है। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कंपनी किसी केस में फंस जाती है और इसके ऊपर केस हो जाता है, तो जो सामने वाला ऑपोजिशन है वो इस कंपनी के नाम पे ही केस दर्ज करेगा, ना कि इसके मालिक के नाम पे। तो इसको कहते हैं अलग एंटिटी होना। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है या कोई जुर्माना भरना पड़ता है इस कंपनी को, तो वो कंपनी भरेगी ना कि मालिक भरेंगे। हालांकि पैसा मालिक का ही होगा पर कंपनी के नाम से वो जाएगा, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस जो भी होती है ये खुद के नाम पे करती है और ये पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन अलग पर्सन की तरह काम करती है, लोगों की सेवा करती है। पर्पस मींस ये काम क्या करती है। देखिए स्टूडेंट्स, सोशल वेलफेयर इनका मेन काम होता है और सोशल वेलफेयर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। लोगों को एजुकेशन देके भी किया जा सकता है, उनको ज़रूरतमंदों को शेल्टर देके रहने की जगह देके भी किया जा सकता है। इसके अलावा अपने धर्म का प्रचार करके भी किया जा सकता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब जैसे धर्म का प्रचार करने के लिए एक जगह ले ली गई है, वहाँ पर लोगों की हेल्प की जाती है, ज़रूरतमंदों को किसी न किसी तरह मदद की जाती है और उसके साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी किया जाता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म जैसे कई धर्म हैं भारत में, तो सिख आपने सुना होगा जैसे कि गुरुद्वारे में जिस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी लोगों की सेवा करती हैं। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनका मेन काम है एजुकेशन देना ऐसे बच्चों को जो कि इलिटरेट हैं या किसी न किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करती है। तीसरा पॉइंट है ओनरशिप, इसका मालिक कौन होता है। स्टूडेंट्स देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की तरह लगाया जाता है, एक सोसाइटी के वेलफेयर के इंस्टीट्यूट की तरह लगाया जाता है। तो इसके मालिक बेसिकली सोसाइटी के मेंबर्स ही हो गए जिनके पास पैसा है, जो इसमें डोनेशन करते हैं और चैरिटी करते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मालिक नहीं होता, इसका मालिक भी सोसाइटी होती है और इससे पहुँचने वाले फ़ायदे भी सोसाइटी को ही मिलते हैं। नंबर फोर, प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स हम बात कर ही चुके हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफिट कमाए ही नहीं, ये भी प्रॉफिट कमाते हैं ताकि इनकी एसेट्स मेंटेन रहें और इनका जो ऑपरेशन है, जो भी इनका काम है, वो लगातार चलता रहे। लोगों की हेल्प करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में ये जो भी इनको फ़ायदा होता है उसको सरप्लस बोला जाता है। तो प्रॉफिट ना यूज़ करके यहाँ पर सरप्लस वर्ड का यूज़ होता है, उसी तरह लॉस ना यूज़ होके डेफिसिट वर्ड का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और इस सरप्लस और लॉस का टोटल जो भागीदार होती है वो सोसाइटी होती है। इसमें कोई इसका ट्रस्टी या कोई ओनर नहीं होता जो कि सरप्लस को अपने साथ ले जाएगा। तो इसका जितना भी बेनिफिट है वो सोसाइटी को ही होता है। इट इज़ मैनेजमेंट। स्टूडेंट देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो ओनर है वो तो सोसाइटी हो गई। अब मैनेजमेंट जो कि काम संभालते हैं, डे टू डे काम होता है कई सारा, उसको मैनेज करना होता है, पॉलिसीज़ बनानी होती है, तो ये काम कौन संभालता है। इसके लिए ट्रस्टीज़ होते हैं और मैनेजिंग कमेटी भी होती है जो कि ट्रस्टीज़ से ही मिलकर बनती है। तो बेसिकली जो ज़्यादा डोनेशन करता है या जो ज़्यादा पैसे चैरिटी देता है, उन्हीं में से लोगों को कमेटी में बिठा दिया जाता है और वही लोग इसको मैनेज करके चलाने का काम करते हैं। पॉइंट इज फंड्स, इनके पास पैसा कहाँ से आता है। स्टूडेंट देखिए, दो तरफ से पैसा आ सकता है, एक तो मेंबर्स देते हैं और दूसरे होते हैं डोनर्स। दोनों में फ़र्क होता है। डोनर्स वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा देते हैं और इनको कुछ और चाहिए नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन से, ये बस अपने पैसे को चैरिटी की तरह डोनेट कर देते हैं। पर जो मेंबर्स होते हैं उनको इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए गरीब फैमिली है जो कि अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है पर उनके पास फ़िलहाल इतना बजट नहीं है कि बच्चे को पढ़ा सके, तो उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता किया जो कि एक चैरिटेबल स्कूल चलाती है और वो उसके मेंबर बनना चाहते हैं। तो मेंबर में मान लीजिए नॉर्मल बच्चे की फ़ीस 1000 रुपीज़ पर मंथ है, पर उस ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 100 रुपीज़ में सारे काम हो जाते हैं और उसको एजुकेशन भी अच्छी मिल जाएगी। तो फ़िलहाल उनको 100 रुपीज़ देने होंगे, इसको कहते हैं मेंबरशिप लेना। तो पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अपने अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं।
सो इसमें तीन तरह के अकाउंट्स बनाती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन. एक होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरे होते हैं बैलेंस शीट, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में अभी पढ़ेंगे. सो यहाँ पर ख़त्म होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. अब हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स बहुत सिंपल डिफरेंस है, आपको बेसिक डिफरेंस इसका पता ही है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रॉफिट मोटिव से नहीं आती है, ये सोशल वेलफेयर मोटिव से आती है. उसी तरह जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट. तो यहाँ पर चार पॉइंट हमको दिए हुए हैं, तो एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं. सबसे पहला पॉइंट है पर्पज़ फॉर विच सेटअप. सो स्टूडेंट्स नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज़ है वो सोशल वेलफेयर है, जिसमें कल्चरल, एजुकेशनल, रीजनल, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विसेज आ जाती हैं. तो ये सारे ही कहीं ना कहीं पब्लिक की सर्विस के ही ऑप्शंस हैं. तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं कामों में लगी रहती है जो कि सोशल वेलफेयर से संबंधित होते हैं. दूसरी तरफ जो मेन पर्पज़ है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें तो हम लोगों ने 11th क्लास में अलग अलग तरह की प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप थी, पार्टनरशिप थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी. तो इन सब का मकसद बेसिकली प्रॉफिट कमाना होता है और अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है. सेकेंड पॉइंट्स में आता है फंड्स, मतलब ये पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मेंबरशिप फ़ी मिलती है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, डोनेशंस मिलती हैं, और सारे ऑपरेशंस को मिला के अगर कोई फ़ायदा होता है तो उसको सरप्लस बोला जाता है. बैलेंस शीट में इस जो फ़ायदा है इस फायदे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जनरल फंड, कैपिटल फंड या कॉर्पस फंड. ये तीनों एक ही नाम है, एक ही फंड के नाम है. अगर हम आगे बात करें प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनके पास जो फंड आता है वो दो या तीन तरीके से आ सकता है. अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो अपना खुद का पैसा लगा लेगा. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो हर पार्टनर अलग अलग कैपिटल लगाते ही है. और अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल या डिबेंचर से पैसा मार्केट से उठाया जाता है, तो उसमें कंपनीज़ शेयर कैपिटल से पैसा लेती है. आपको याद रखना है कि कंपनीज़ को अगर प्रॉफिट होता है तो वो उसको रिटेन भी कर सकती है और डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को भी दे सकती है. तो यहाँ पर फंड्स वाला पॉइंट ख़त्म होता है. तीसरा पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बहुत सिंपल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं. और 11th क्लास की अकाउंट्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट आता है, फिर P&L अकाउंट आता है एंड बैलेंस शीट आती है. फोर्थ पॉइंट में सरप्लस एंड प्रॉफिट. आप देख सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अकाउंट बनते हैं उसमें जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका जो टोटल आता है वो सरप्लस या डेफिसिट माना जाता है. यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वर्ड का यूज़ नहीं होता है. हालांकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड नेट प्रॉफिट, नेट लॉस का यूज़ होता है. और यहाँ पर आपको याद होगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी होता था जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था. तो आई होप ये वाला डिफरेंस आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आप एग्ज़ाम में ये चारों पॉइंट ज़रूर लिख के आएंगे. चलिए अब हम बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में. बेसिकली ये एक कैश बुक की तरह अकाउंट होता है. कैश बुक मींस कैश से संबंधित सारी डिटेल इसमें आती है, कितना कैश आया कंपनी में, कितना कैश गया कंपनी से पूरे साल में, तो उसके बारे में हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नोट कर लेते हैं. बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एसेट के हिसाब से चलता है. तो उसमें गोल्डन रूल जो लगता है वो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का लगता है. तो जब भी कोई आपको पैसा मिलता है कहीं से भी तो आप उसको डेबिट कर देते हैं, जो कि होती है रिसीट साइड. और अगर आपका पैसा कहीं खर्च हो जाता है या आप पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है. तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी पेमेंट आती है उसको अक्रूअल बेसिस पे मींस उसी समय नोट कर लिया जाता है अकाउंट्स में, ताकि देर सवेर कोई और दिक्कत ना आए. अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसीलिए जितना भी पैसा आया है वो सारा लिख लिया जाता है, चाहे वो पैसा पिछले साल का हो चाहे वो पैसा आने वाले साल का हो.
पर वो लिख लिया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग ईयर नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इस साल हमारे पास पैसा कितना आया है। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही आपको दिया होता है। उसी में से आपको सारी चीज़ें चेकआउट करनी है सबसे पहले, और उसके बाद उसको क्लासीफाई कर देना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। आपको ये देखना है कि कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा और कौन सा बैलेंस शीट में आएगा। तो इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक पूरी समरी होती है कि पूरे साल के अंदर अंदर पैसा कितना आया है और पैसा कितना गया है। तो बेसिकली इसके बारे में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताता है। अब हम बात कर लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट की फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसको बनाया क्यों जाता है और इसमें कौन कौन से तरह के अकाउंट शामिल होते हैं। इस फीचर में सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर मैंने अभी आपको बताया है, कैश नेचर होता है इसका, कैश बुक की तरह होता है। तो बेसिकली ये एसेट है और इसमें रियल अकाउंट के सारे फॉर्मूले चलते हैं। तो रियल अकाउंट का कौन सा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा मेन है आपको बताइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जैसे ही कोई पेमेंट आपके पास आती है, कंपनी के अंदर आती है, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और अगर आप कहीं पेमेंट करते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। पॉइंट इज बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें ये कहने का मतलब है कि इस अकाउंट को कैश बेसिस पे बनाया जाता है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जिसमें हम कैश नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन। अगर किसी मशीनरी पे समय के साथ डेप्रिसिएशन लग गया और उसकी वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कैश में से पैसा गया या बैंक में से पैसा गया। तो ऐसे अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट में नहीं डालने, आपको याद रखिएगा। सिर्फ कैश से रिलेटेड अकाउंट ही आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट में डालने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। स्टूडेंट्स देखिए, दो तरह के खर्चे होते हैं, दो तरह की रिसीट होती है, ये हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो जिसके फ़ायदे हमको एक साल से ज़्यादा तक मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने कोई एसेट खरीद ली, कोई लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि एक साल से ज़्यादा ज़्यादा हमको फ़ायदा पहुँचाई गई। उसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, इसमें एक साल से कम का फ़ायदा पहुँचाता है। यहाँ पर एक महीना, दो महीना, छः महीने तक का भी फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा एक्सपेंडिचर जैसे कि रेंट, जब हम रेंट देते हैं तो इसका मतलब एक महीने के अंदर अंदर वो जो हमको सर्विस मिलनी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका फ़ायदा और नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय ने एक महीना काम किया, उसकी हमने सैलरी दे दी, उसके आगे हमको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, तो इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो ऐसी रिसीट होती है जो हमको लगातार मिलती रहती है छोटे समय में। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेंट हमको मिल गया या मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो ये वाली होती है रेवेन्यू रिसीट, समय समय पर हमको मिलती रहती है, छोटे समय में, हर महीने मिल जाती है, हर छः महीने में। तो इनका फिक्स्ड होता है कि हमको इस समय, इस टाइम इंटरवल के बीच में रेवेन्यू रिसीट मिलेंगी ही मिलेंगी। और कैपिटल रिसीट इसका उल्टा होता है, कैपिटल रिसीट का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है, ये हमको कभी भी मिल जाती है। और ये बेसिकली नॉर्मल बिजनेस फंक्शंस जो आपके होते हैं उसके अलावा आपको मिलती है। कहने का मतलब है कि इसमें बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको नॉर्मली ये कैपिटल रिसीट मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपकी कोई मशीन ख़राब हो गई है, काफ़ी पुरानी हो गई है, तो उसको आपको बेचना पड़ेगा। तो इस हालत में आपको पता ही है कि आप हर महीने मशीन नहीं बेचते हैं, कभी कभी मशीन बेचते हैं, तो उससे जो पैसा आएगा वो आप कैपिटल रिसीट में क्लासीफाई करेंगे। उसके अलावा कभी कभी कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो मेंबरशिप फ़ीस पूरी लाइफ की दे देते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस कहते हैं उसको, वो पूरी लाइफ के लिए हमारे मेंबर बन जाते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है, सारे मेंबर्स ऐसी फ़ीस नहीं देते, तो इसको भी हम लोग कैपिटल रिसीट के अंदर ही डालेंगे। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ आए होंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बीच में फ़र्क क्या है। इस फ़र्क को समझने के बाद अब हम आते हैं वापस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। देखिए स्टूडेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये चारों तरह के रिसीट और पेमेंट ये आते ही हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने कोई मशीन बेच दी तब भी आप इसमें लिखिएगा, और अगर आपने कोई मशीन खरीदी तब भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने रेंट दिया है या सैलरी दी है तब भी इसमें आएगा, या आपको लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मिली है या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन मिला है, तब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा, जो कि पूरे साल के अंदर अंदर आपके पास जितना पैसा आया है वो सब आपको इस अकाउंट में लिख देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली एक साल का ही होता है, पर इसमें जो ट्रांजैक्शन आती है वो पिछले साल से और अगले साल से रिलेटेड भी आती है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मेंबर है जो सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाया था पिछले साल 2000 रुपये का, और इस साल उसने 5000 रुपये देकर ये बोला कि इसमें से 2000 रुपये पिछले साल के हैं, तो हम लोग ये चीज़ इसमें नहीं डालेंगे, हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि 5000 रुपये उसने जो दिए हैं वो हमको रिकॉर्ड कर लेना है एज अ सब्सक्रिप्शन। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसमें पिछले साल से संबंधित और अगले साल से संबंधित जो भी पैसा आता है अगर वो इस साल आया है तो आपको लिखना है। पॉइंट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। स्टूडेंट्स देखिए, इस अकाउंट में दोनों ही बैलेंस दिए होते हैं पर उनका नाम होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो अगर ओपनिंग है तो उसमें ओपनिंग कैश इन हैंड दिया होगा और ओपनिंग कैश एट बैंक दिया होगा, और क्लोजिंग है तो उसमें क्लोजिंग कैश इन हैंड और क्लोजिंग कैश एट बैंक दिया होगा। तो एडजस्टमेंट्स, इसमें एडजस्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडजस्टमेंट की एंट्री डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये सिर्फ कैश और कैश बेसिस पर ही चलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पिछले साल के और अगले साल के जितने भी अमाउंट आते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन आते हैं, आपको इसी साल में रिकॉर्ड कर देने होते हैं, उसको आपको अलग से प्लस या माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये अकाउंट हमको सिर्फ इस साल का पैसा बताता है, कैश कितना ट्रांसफ़र हुआ है या कितना हमारे पास आया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम बात करने वाले हैं कमियों के बारे में। देखिए हर अकाउंट की कोई ना कोई कमी होती है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कौन सी सबसे बड़ी लिमिटेशंस हैं जो हमको पता होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली लिमिटेशन आपको पता ही लग गई होगी। स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा कोई भी अकाउंट है जिसमें हम लोग इस साल की चीज़ें रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं पर साथ में पिछले साल की और आने वाले साल की भी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें हमको इस साल का प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्ट नहीं पता लग पाएगा क्योंकि उसमें अमाउंट तो हमने पिछले साल का भी डाला है और आने वाले साल का भी डाला है। तो इस केस में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ये नहीं पता लग पाता है कि कितना पैसा कमाया गया है या कितना उनका नुकसान हुआ है एक पर्टिकुलर साल में। लिमिटेशन है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे एक्सपेंसेस और डे टू डे इनकम के बारे में भी पता नहीं चल पाता है। स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए कि कोई एक डोनर है जिसने कैश ना देकर कोई सामान डोनेट किया है और बोला है कि लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अब इसमें हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसमें कैश इंक्लूड नहीं है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश आता है, तो बेसिकली यहाँ पर ये भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। अब हम इसके फॉर्मेट को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट जिसमें आपको बेसिकली ये समझाया जाएगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो अभी हमने बात की थी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की तरह होता है और ये रियल अकाउंट की तरह काम करता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब है जब भी आपको कोई रिसीट या पैसा मिलता है तो उसको आपको डेबिट कर देना है, और जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं या आपके पास से पैसा जाता है तो उसको आपको क्रेडिट कर देना है। तो आप फॉर्मेट में दे सकते हैं, डेबिट साइड में रिसीट है, क्रेडिट साइड में पेमेंट है। अब हम दोनों साइड के बारे में एक एक करके बात करते हैं और आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा दूंगा। अगर कोई ऐसी रिसीट या पेमेंट है जो आपको नहीं पता है पहले से तो मैं उसको डिटेल में बता दूंगा, तो आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिसीट साइड से जो कि लेफ्ट साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास अगर कोई बैलेंस है जो कि पिछले साल का है तो उसको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के हिसाब से लिख दिया जाता है। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक तरह का चंदा होता है या एक तरह की फ़ीस होती है जो कि मेंबर्स पे करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात की थी कि मेंबर्स होते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स पैसा देते हैं उसी के हिसाब से उनको सर्विस दी जाती है, तो ये एक तरह की फ़ीस भी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी सब्सक्रिप्शन इस साल आया है वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर दिया गया है, हालांकि इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन पिछले साल का भी है और कुछ इस साल का है और आने वाले साल का भी कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया है, पर क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है तो ये इस बात को नोट नहीं करेगा कि इसी साल का सिर्फ रिकॉर्ड करना है, ये सारे पैसे रिकॉर्ड कर देगा। उसके बाद आता है जनरल डोनेशन। स्टूडेंट्स देखिए, ऐसी डोनेशन जब लोग पैसा देके ये बोलते हैं कि इस पैसे को आप अपने हिसाब से खर्च कर लीजिएगा, हम नहीं चाहते कि इसमें हम आपको बताएं कि किस तरह से खर्च करना है, या कोई स्पेसिफिक डोनेशन बोल के हम आपको ये डोनेशन दें, तो उसको हम कहते हैं जनरल डोनेशन। तो
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस डोनेशन को अपने हिसाब से सोशल वेलफेयर में यूज़ कर सकती है। अब आता है ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्टूडेंट देखिए, स्पेसिफिक पर्पस का मतलब है कि जब भी कोई डोनेशन देता है या कोई पेमेंट करता है और बता देता है कि इसी चीज़ के लिए आपको इस पैसे को यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए आपको पैसा दिया तो आपको उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए ही यूज़ करना है और किसी जगह आप उसको नहीं खर्च कर सकते। इसको कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन देना। तो ये भी एक तरह की रिसीट है, तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद आती है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फ़ीस। ये आपको पता ही है कि अगर कोई नया मेंबर एडमिट होता है तो उसको फ़ीस देनी होती है, तो ये उसके लिए फ़ीस है। जनरल ग्रांट्स मींस अगर कोई इधर उधर से आपको कोई किसी तरह की छूट मिल जाती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट भी आता है। गवर्नमेंट भी कई चीज़ों में एनजीओज को या एनपीओज को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रांट देती है, छूट देती है। उसके बाद आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या ग्रास। ये तो आपको बताइए कि इसमें जो भी पैसा आएगा वो रिसीट में लिख ही लेंगे। सेल ऑफ ओल्ड और यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब हम किसी कंपनी में या बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना पैसा निवेश कर देते हैं ताकि उसका इंटरेस्ट हमको मिल सके और हमारा फ़ायदा हो सके, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, जो उसके ऊपर बैंक हमको इंटरेस्ट देती है, तो उसको एक रिसीट माना गया है, उसको यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट और लेक्चर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के कॉन्सर्ट्स, कुछ सिंगर्स या कुछ एक्टर्स आते हैं जो लेक्चर्स वगैरह देते हैं ताकि लोगों को उनके बारे में पता लग सके, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता लग सके। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसकी टिकट्स बिकती हैं। अब टिकट्स से पैसा जो आता है वो रिसीट मान लिया जाता है। अब डिविडेंड्स, अगर मान लीजिए किसी कंपनी, इस कंपनी ने किसी और कंपनी में पैसा लगाया हुआ है या शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो डिविडेंड मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी एक तरह की रिसीट है। रेंट रिसीट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीट, ये सारी रिसीट तो आपको पता ही हैं। उसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। कोई ऐसा मेंबर है जो सारी लाइफ की जो फ़ीस है वो दे देता है, वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है हमारा और वो ये चाहता है कि हमारी सेवाएं उसको मिलती रहें, तो वो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दे देता है। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आई होप आपको ये पता लग चुका है कि स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या है। इसमें कोई भी डोनर होता है या कोई भी मेंबर होता है, वो ये बता के आपको पैसे देता है कि आपको इस पर्पस के लिए ही खर्च करना है, इसके अलावा नहीं खर्च करना है। लेगेसीज, इसमें आप मान सकते हैं कि ये वसीयत होती है। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मेंबर है जिसकी काफ़ी उम्र हो चुकी है और उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो वो चाहता है कि उसकी जितना भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी उसकी जायदाद है, वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हो जाए उसकी डेथ के बाद। तो इस तरह से लेगेसी होती है, तो ये भी रिसीट की साइड आ जाती है। एंडोमेंट फंड, ये इम्पॉर्टेंट है। कई डोनर या मेंबर्स आपको डोनेशन देते हैं पर वो ये कहते हैं कि इस डोनेशन का जो मेन पैसा है वो आपको यूज़ नहीं करना है, इस डोनेशन पर कमाई गई इंटरेस्ट या कोई और इनकम आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई मेंबर 1,00,000 रुपये दे देता है और बोलता है कि इस 1,00,000 को आप यूज़ नहीं कर सकते, हालांकि इस 1,00,000 को आप कहीं इन्वेस्ट करो। मान लीजिए दो आपने इसको इन्वेस्ट किया तो आपको 10,000 रुपये मिले, तो उस 10,000 रुपये जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसको एंडोनमेंट फंड बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई फिक्स्ड एसेट बेची है तो उससे भी पैसा मिलता है। और उसके बाद मैच फंड, प्राइस फंड, अलग अलग तरह के फंड होते हैं, कहीं से भी आपको पैसा मिलता है तो वो आपको रिसीट साइड में डाल देना है। अब हम आते हैं पेमेंट साइड पे। देखिए स्टूडेंट्स, पेमेंट साइड में भी आप देख सकते हैं कि बैलेंस बीडी दिया हुआ है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो कि हमने पिछले साल 11th में पढ़ा ही हुआ है कि अगर हम लोगों ने बैंक से कोई उधार लिया हुआ है तो उसको पेमेंट साइड में ही आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। और जितनी भी पेमेंट होती हैं, आपको पता है अलग अलग तरह की पेमेंट होती हैं, जैसे कि सैलरीज, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रिपेयर, ऑडिट फीस। ऑडिट फी ऐसी फीस होती है कि आपको कभी भी अपना अकाउंट चेक कराने की अगर ज़रूरत होती है, आपको लगता है कि अकाउंटेंट ने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उसको एक बार चेक करा लेना चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑडिटर को बुलवाना पड़ता है जो कि अकाउंट्स चेक करता है, तो उसको फीस आपको देनी होती है, तो उसको हम कहते हैं ऑडिट फी।
उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंस आता है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन है या क्लब है उसको मेंटेन करने में भी एक्सपेंस लगता है, इंश्योरेंस की पेमेंट करनी होती है, सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम देना होता है। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब है मान लीजिए कि कोई आपने फंक्शन रखा, उसमें सेक्रेटरी भी आए, उन्होंने अपना टाइम दिया, तो उनके सम्मान में आपको कुछ ना कुछ देना होता है, उनको प्राइज़ दे सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑनोरेरियम, तो ये भी पेमेंट में आ जाता है। उसके बाद ऑनोरेरियम अलग लोगों को भी दिया जाता है, मान लीजिए आपने बाहर से किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट किया है तो उसको भी आपको कुछ ना कुछ सम्मान देना होगा, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स आ जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स बेसिकली प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, जिस प्रॉपर्टी पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उसको म्यूनिसिपल टैक्स पे करना होता है उस प्रॉपर्टी पर, तो ये भी पेमेंट में आ जाता है। प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऑफिस एक्सपेंस होता है, अगर कोई शो कराया गया है तो उसका खर्चा होता है, मिसलेनियस पेमेंट होती है, अलग अलग तरह की पेमेंट है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई सी भी फिक्स्ड एसेट है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हर तरह के एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हालांकि जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं की है तो उसमें देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं करते हैं तो आपके पास से पैसा जाता है, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, वो पैसा आपको कभी ना कभी वापस मिल जाएगा, पर यहाँ पे क्योंकि कैश गया है तो यहाँ पर आपको पेमेंट में डालना है इसको। उसके बाद बुक्स अगर आपने खरीदी हैं, अगर आपने लोन की रीपेमेंट की है, आपके ऊपर कोई लोन था उसको आपने चुकाया है या उसकी इंस्टॉलमेंट दी है, तो उसके लिए भी आपको पेमेंट साइड ही डालना है। बिल्डिंग्स अगर आपने कोई खरीदी है, उसके बाद जितना भी अगर क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो आपको पता ही है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है, तो इस तरह से पेमेंट साइड कंप्लीट हो जाती है। नीचे एक और पॉइंट आपको स्टार लगा के दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ईदर ऑफ द टू विल अपीयर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्स लगा हुए हैं, तो दोनों साइड में जो स्टार लगे हैं उनमें से कोई एक ही अपीयर होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों अपीयर होंगे, तो उन दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पे एक क्वेश्चन में आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया है, और ये फॉर्मेट बहुत ईजी है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो जितने भी पैसे आपके पास आए हैं, जिस ट्रांजैक्शन से पैसे आए हैं उसको आप डेबिट साइड लिखिएगा, और जिस ट्रांजैक्शन से आपसे आपकी पेमेंट हुई है या पैसे गए हैं उसको आप क्रेडिट साइड लिख दीजिएगा। तो आई होप आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट अच्छी तरह समझ आ गया है। सो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया है, इसमें आपको बताया गया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है दिल्ली रिक्रिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट बनाएं उसके ऊपर जो भी क्लब है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आपको गिवन है क्वेश्चन में वो लिखना ज़रूरी है, उसके बाद उनका ईयर एंड भी लिखना ज़रूरी है कि कौन से साल उनके अकाउंट्स ख़त्म हो रहे हैं। तो क्वेश्चन की चीज़ों को हम एक एक करके समझ लेते हैं और देखते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किस तरफ ये जाएगी, कौन सी डेबिट होगी और कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कैश एज एट 1 अप्रैल 2018, इसका साफ साफ मतलब है ये ओपनिंग कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है, तो आपको ये रिसीट साइड में डालना है, मीन्स डेबिट साइड में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको दिया हुआ है 21,500, ये अमाउंट आपको कुछ अमाउंट मिला के दिया हुआ है, इसमें आपको पिछले साल का अमाउंट भी दिया है जो कि 400 है, और 600 रुपीज़ एडवांस अमाउंट दिया हुआ है जो कि अगले साल का अमाउंट है, तो ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है तो हमको इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इसी तरह अमाउंट को लिख देना है। उसके बाद अपकीप ऑफ फील्ड्स पेड, यहाँ पे आपका एक खर्चा हुआ है, आपको आपके क्लब में जो भी फील्ड हैं उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा है, तो ये आपका राइट साइड जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैश आपका गया हुआ है, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एडमिशन फीस, देखिए स्टूडेंट्स एडमिशन फीस मेंबर्स पे करते हैं, और किस लिए पे करते हैं, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बनना चाहते हैं, आपसे वो सेवाएं लेना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो एडमिशन फ़ी आपकी इनकम है तो ये डेबिट साइड में जाएगी। उसके बाद आता है सैलरीज़, आपको पता ही है स्टूडेंट्स, देखिए ये पे करनी होती है, जो भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं
जितना भी स्टाफ है हमारा उनको सैलरीज पे करनी होती है, तो ये एक्सपेंडिचर में जाता है जो कि 6,000 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया है। मैच एक्सपेंस, हम लोगों ने एक मैच का अरेंजमेंट किया था, ऑर्गेनाइज कराया था एक मैच का कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर उसमें खर्चा हुआ है 4,500 रुपये का, तो ये हमारा क्रेडिट साइड जाएगा पेमेंट अकाउंट। उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी हमको मेंबर्स ही देते हैं, तो ये हमारा रिसीट साइड आ जाएगा डेबिट साइड। उसके बाद आता है परचेज़ ऑफ न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़पेपर ख़रीदेंगे तो पैसा जाएगा, कैश बाहर जाएगा, तो पेमेंट साइड आ जाएगा। बुक्स परचेज्ड, ये भी हम लोगों ने ख़रीदा है, देखिए परचेज़ ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा और बुक्स परचेज़ एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही एक्सपेंडिचर हैं, और रिसीट और पेमेंट अकाउंट में हम हर तरह का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी आप पेमेंट साइड में डालिए। डोनेशन रिसीव, आपको डोनेशन मिली है 1 अप्रैल 2018 को, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये आपके फ़ायदे की एक पेमेंट है, क्योंकि इसमें आपको पहली तारीख को ही डोनेशन मिली है, तो ये भी आपको रिसीट साइड में डालना है डेबिट साइड में। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव्ड, स्टूडेंट्स देखिए टूर्नामेंट आपने कराया है और उसके लिए आपने चंदा मांगा था लोगों से, सब्सक्रिप्शन मांगा था और आपको मिल गया, तो ये आपके रिसीट साइड में आएगा। म्यूनिसिपल टैक्स आप हमेशा पे करते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स होता है, तो ये पेमेंट साइड में आएगा। चैरिटी गिवन, देखिए चैरिटी हम लोगों ने दी है तो यहाँ पर ये पेमेंट साइड में आ जाएगा 3,500 रुपीज़। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो ये रिसीट साइड में आएगा 450 रुपीज़। 8% जनरल इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट देखिए ये 8% जो आपको दिया हुआ है ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, आपको पूरे साल में 8% इंटरेस्ट मिलेगा जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर, तो ये एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है। स्टूडेंट्स देखिए इंटरेस्ट नहीं है ये इन्वेस्टमेंट है, हालांकि 8% दिया है पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरेस्ट का ही है, ये बताया हुआ है कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पैसे देते हैं, तो ये पेमेंट साइड में आएगा 5,000 रुपीज़। सिमिलरली 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी दूसरे तरह की इन्वेस्टमेंट है जो आपने टूर्नामेंट फंड के लिए की है, तो ये भी पेमेंट साइड में डालेगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस, कोई भी खर्चा हो जाता है अगर टूर्नामेंट में, तो ये एक्सपेंस साइज जो कि क्रेडिट साइड है राइट साइड आएगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जिसकी कॉस्ट है 1,000 रुपीज़ पर आपको मिले हैं 600 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको सीधा पता लग रहा है कि क्योंकि ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट लिखना है जो आपको मिल जाता है, तो 600 रुपीज़ आएगा रिसीट साइड, डेबिट साइड आएगा क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है फर्नीचर बेचने पर। बैट्स एंड बॉल्स परचेस्ड, तो इसमें आपको सीधा सा समझ आ रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ ख़रीदा है जिसकी पेमेंट करनी होगी, तो ये पेमेंट साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इंटरेस्ट ऑन 8% जनरल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट रिसीट। तो स्टूडेंट देखिए ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका इंटरेस्ट मिल गया है 100 रुपीज़ एंड 300 रुपीज़, सो ये इंटरेस्ट आपको मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको मिला है तो जाहिर सी बात है आप रिसीट साइड ही इसको डालेंगे। तो यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो वो तो क्रेडिट साइड जाएगी क्योंकि उसमें पैसा गया है, पर उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको मिलता है तो वो डेबिट साइड आएगा क्योंकि वो आपको पे यहाँ पर रिसीट हो रही है, पैसा मिल रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टूडेंट्स आपको बताइए ये आपका खर्चा होता है तो ये पेमेंट साइड जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर 2,500 रुपीज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 2,500 रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा गया है, तो इसको आप पेमेंट अकाउंट में डालिएगा। फर्नीचर के साथ अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको इतना समझ लेना है कि वो आपने ख़रीदा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, तो ये भी एक तरह की आपको चंदा टाइप मिल गया है, सब्सक्रिप्शन मिल गया है एनुअल डिनर का, पूरे साल का एक डिनर होता होगा जिसमें सारे मेंबर्स डिनर करते होंगे या कोई फंक्शन होता होगा, तो जो भी है आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन मिला है तो इसको आप रिसीट साइड में डालिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा अमाउंट किस तरफ जाएगा, उसके बाद आप इसको टोटल करके
ये निकाल सकते हैं कि आपका जो कैश है, कैश इन हैंड कितना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ कैश इन हैंड ही आपका आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको बिल्कुल सेम काफ़ी चीज़ें दी गई हैं पहले क्वेश्चन की तरह। कुछ नई चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको बता दूंगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैश एज एट 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है, जो कि कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये आप डेबिट साइड डालिएगा, लेफ्ट साइड। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 43,000 दिया हुआ है, जिसमें से पिछले साल का भी कुछ है, आने वाले साल का भी कुछ है, और इस साल का तो है ही। ये तीनों सब्सक्रिप्शन मिला के आपको 43,000 दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन आपको मिलता ही है, तो ये आपको रिसीट साइड डालना है, जो कि है डेबिट साइड लेफ्ट साइड। ग्राउंड मेंटेनेंस फीस खर्चा हुआ है, पेमेंट साइड जाएगा। एडमिशन फीस आपको मिली है, क्योंकि एडमिशन फीस मेंबर्स देते हैं, तो ये आपको रिसीट साइड डालना है, जो कि है डेबिट साइड। सैलरीज हमेशा खर्चा होता है, तो ये पेमेंट साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। ड्रामेटिक्स प्ले एक्सपेंसेस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खर्चा हुआ है, तो ये पेमेंट साइड चली जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस ये आपको मिलती है, मेंबर्स आपको पूरी लाइफ के लिए सब्सक्रिप्शन करने के लिए फ़ीस दे देते हैं, तो ये जाएगी डेबिट साइड रिसीट अकाउंट में। न्यूज़पेपर परचेज्ड खर्चा है, 3,000 रुपये का न्यूज़पेपर आपने ख़रीदा है, तो पेमेंट साइड जाएगा। बुक्स परचेज पेमेंट साइड जाएगी। डोनेशन रिसीव हुई है आपको 1 जनवरी 2019, इसी साल रिसीव हुई है आपको डोनेशन, तो ये आपको रिसीट अकाउंट में डाल देना है, रिसीट साइड डाल देना है। टूर्नामेंट फ़ी, स्टूडेंट्स आपने एक टूर्नामेंट कराया, उसके लिए आपको फ़ीस मिली। कहने का मतलब है एक तरह से टिकट मिली, आपने टिकट्स बेची हैं, या कहीं ना कहीं से आपको पेमेंट मिली है उस टूर्नामेंट को कराने के लिए, तो ये एक तरह से आपको पैसा मिला है, तो रिसीट साइड डालिएगा इसको। म्यूनिसिपल टैक्सेस पता ही आपको पेमेंट होती है, चैरिटी गिवन भी पेमेंट है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड बैट्स, ये रिसीट साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे आ रहे हैं आपके पास। अब आता है 12% जनरल इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 दिसंबर 2018, तो आप देख सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट आपने की है, इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे पैसा जाएगा, पेमेंट साइड आएगी। ये 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 दिसंबर 2018, ये भी पेमेंट साइड जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस खर्चा है, पेमेंट साइड। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट 2000 एंड रियल वैल्यू इज़ 1200, आपको जो पैसा मिला है बेचने पर 1200 रुपये मिला है, जिसकी कॉस्ट थी 2000 रुपये, तो यहाँ पर हमको असली कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ ये वाला अमाउंट डालेंगे जो हमको मिला है 1200 रुपये। बैट्स एंड बॉल्स परचेस्ड 14,000 रुपये, तो ये हमको पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई सामान खरीदा है। उसके बाद आता है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ड्रामेटिक्स टिकट्स, तो स्टूडेंट्स ये कोई ना कोई शो हुआ होगा, ड्रामा हुआ होगा, जिसकी टिकट्स आपने बेची और आपको पैसा मिला, तो यहाँ पर रिसीट हुई है। उसके बाद अभी जो ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी, उसका इंटरेस्ट आ चुका है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसका इंटरेस्ट अगर मिलता है तो वो रिसीट अकाउंट में आता है, लेफ्ट साइड आएगा। तो दोनों तरह के इंटरेस्ट आपको लेफ्ट साइड ही डालने हैं, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेस्ड, तो ये आपका खर्चा है नॉर्मल सा, तो आप पेमेंट साइड में डालेगा। फर्नीचर परचेस्ड भी पेमेंट साइड में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर गवर्नर्स पार्टी, स्टूडेंट देखिए कहीं से भी कोई सा भी सब्सक्रिप्शन जब रिसीव होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको हम लोग रिसीट साइड डालते हैं, जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक या दो और चीज़ें आएंगी जो कि मैं आपको मेंशन कर दूंगा पीडीएफ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना ईजी है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ से हमको पैसा मिला है, कैश मिला है, और किस चीज़ से हमने पेमेंट की है कैश की। तो बेसिकली ये टोटली रियल अकाउंट के तौर पे चलता है, जिसका फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट।
तो आई होप अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को किस तरह से बनाना है। इस वीडियो में हमने अच्छी तरह समझ लिया है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो क्या काम करती है। इसके साथ साथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में भी अच्छी तरह आपको समझ आ चुका है। अगली वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि इसका अगला पार्ट होगा, उसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर में किस किस तरह की ट्रांजैक्शन आती है। अच्छी तरह पहले उन ट्रांजैक्शन को समझेंगे, उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Dreaming of your lips, kissing my lips, with the world at our fingertips.